और पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौरियों के लिए जश्न बहारा स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंची, रानी सर्कस देखने पहुंच गई है। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि लाहौरियों के लिए जश्न बहारा स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ जो कि कर दिया गया है और फेस्टिवल के दूसरे रोज़ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क लकी रानी सर्कस देखने के लिए पहुँच गई है और शहरियों की बड़ी तादाद जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में इस वक्त मौजूद है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौरियों के लिए जश्न बहारा स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है और फैमिलीज़ के दूसरे रोज़ भी बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क लकी रानी सर्कस देखने के लिए पहुंच गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौरियों के लिए जश्न बहारा स्प्रिंग फेस्टिवल का बकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंच गई है और जश्न बहारा के इस फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज़ होती दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौरियों के लिए ये एक तोहफा सामने आया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताएगा शहरी किस तरह से इसको इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लाहौरियों की तफरी के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से जश्न बहारा स्प्रिंग फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आज स्प्रिंग फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ लाहौरियों की बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क में लकी रानी सर्कस देखने पहुंच चुकी है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पीछे जो लकी रानी सर्कस के जो शो हैं वो चल रहे हैं। किरदार जो हैं लकी रानी सर्कस के वो अपने खूब महारत के साथ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि इस वक्त मेरे साथ जोन से हैं एक फैमिली मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे सर्कस बहुत अच्छी लगी, हम एग्जाम्स के बाद यहाँ पर सर्कस देखने आए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स हो रहे हैं, यहाँ ये सर्कस हमें बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, इनको तो बहुत पसंद है। ये एक और बच्चा है, उससे बात करते हैं। आपको बताइएगा, आपने सर्कस देखी, आपको कैसी लगी? मुझे सर्कस बहुत अच्छी लगी है, मैं एग्जाम्स के बाद यहाँ घूमने आई हूँ, मुझे सर्कस में ये मुख्तलिफ शोज बहुत अच्छे लगे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों का तो कहना था इन्होंने सर्कस देखी है, इनको सर्कस काफ़ी पसंद है। इन बच्चों के वालिद से बात करते हैं। इस तरह के फेस्टिवल्स और इस तरह के इवेंट्स होना और ख़ास तौर पे बच्चों की छुट्टियों के बाद इस तरह के हम अगर ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेंगे उससे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। उसके अलावा स्प्रिंग फेस्टिवल है, इसका भी आपको पता है एक बेहतर बेनिफिट है। फैमिलीज आ रही हैं, जा रही हैं, आपके सामने देखें मुख्तलिफ फैमिलीज बैठी हुई हैं। एक अच्छा इवेंट है और एक अच्छा फैमिली गैदरिंग है। इस तरह के इवेंट्स को हमें प्रमोट भी करना चाहिए और साथ ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि एक बच्चा फेस्टिवल, ऐसे फेस्टिवल फैमिली गैदरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जबकि लकी रानी सर्कस समेत 9 मुख्तलिफ तकरीबात हैं जिनका आगाज़ जश्न बहारा के सिलसिले में किया गया है, जो 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी रहेंगी।